अब वापस चलते हैं कार्नाटिक में और देखते हैं वहां क्या चल रहा है। साल भर हैदर अली के साथ आर पार का संघर्ष कर लेने के बाद अब आयरकूट के सितारे जवाब देने लग गए थे। तो जनवरी सन 1782 में कूट ने वेल्लूर की सेना को राहत और रसद पहुंचाई, लेकिन इस अभियान में कूट को मद्रास लौटते समय मैसूर की सेनाओं के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा। कूट के मद्रास लौटते ही जनवरी सन 1782 के आखिरी हफ्ते में टीपू सुल्तान ने अचानक और बहुत तेजी से तंजौर राज्य पर हमला कर दिया। जब नागापट्टनम घेरे में था तब तंजौर में कर्नल ब्रेथवेट को तैनात कर दिया गया था। नागापट्टनम की घेराबंदी में हमने ब्रेथवेट की भूमिका देखी, लेकिन जब टीपू का हमला हुआ तो ब्रेथवेट संभाल नहीं पाया। 18 फरवरी सन 1782 को टीपू ने तंजौर के पास अन्नागुड़ी के युद्ध में ब्रेथवेट की सेना का पूरा पूरा सफाया कर डाला। अब तंजौर राज्य टीपू के रहमो करम पर था और इस महत्वपूर्ण विजय से डॉर्ब और सफ्रिन का समुद्री रास्ता भी खुल गया। फरवरी सन 1782 तक मॉरिशस से चलकर फ्रेंच नौसेना भारत पहुंच गई थी। डॉर्व ने तय किया कि मद्रास पर छापा मारा जाए, लेकिन फरवरी सन 1782 में डॉर्व की मृत्यु हो गई और अब नौसेना की पूरी कमान आ गई थी सफ्रिन के हाथ में। फ्रेंच बेड़ा मद्रास तक गया, पर यूज को सुरक्षित और मजबूत स्थिति में देखकर सफ्रिन पौंडीचेरी की तरफ मुड़ गया। यूज ने उसका पीछा किया तो समुद्र में दोनों की टक्कर हुई मद्रास से दक्षिण में सद्रास के पास। हालांकि इस युद्ध का भी कोई नतीजा नहीं निकला। सद्रास की समुद्री लड़ाई में सफ्रिन ने यूज के जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाया और इसके बाद यानी फरवरी सन 1782 में सफ्रिन ने भारत की सरजमीन पर पांव रखा। उसने पोर्टो नोवो में फ्रेंच पलटन उतारी जिसका की कमांडर था ड्यू शेमिन। यहां परांगी पेटई यानी पोर्टो नोवो में सफ्रिन की हैदर अली से मुलाकात हुई। इसके बाद सफ्रिन ने पौंडीचेरी में अपने जहाज सुधारे। कुछ समय बाद यूज को त्रिंको माली जाते हुए देखा गया। सफ्रिन ने उसका पीछा किया। इस दौरान 12 अप्रैल सन 1782 को यूज और सफ्रिन की भिड़ंत हुई त्रिंको माली के पास प्रोविडियन में। इस युद्ध में सफ्रिन जीत गया और यूज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद यूज ने अपने जहाजों की मरम्मत त्रिंको माली में की और सफ्रिन उसके दक्षिण में बत्ती कालोआ चला गया। सफ्रिन को हुक्म मिला था कि वो मॉरिशस से फ्रेंच पलटने ले जाकर भारत में छोड़ दे, लेकिन यूज के होते हुए वो भारत कैसे छोड़ सकता था। तेलीचेरी की हार के बाद मालाबार में अंग्रेजों के प्रभाव को बढ़ते हुए देखकर हैदर ने मखदूम अली खान के नेतृत्व में एक मजबूत सेना मालाबार की तरफ भेज दी थी। हम्बर स्टोन और मखदूम अली खान के बीच त्रिकलूर का घमासान युद्ध हुआ। इसमें मखदूम अली खान मारा गया। इसके बाद अंग्रेजों ने कुर्ग में भी मैसूर के खिलाफ विद्रोह भड़काया। यहां से श्रीरंगापट्टनम बहुत पास था तो हम्बर स्टोन श्रीरंगापट्टनम पर चढ़ाई करके सबको चौंका देना चाहता था, लेकिन मानसून ने इसकी इजाजत नहीं दी। उसके उलट पूर्वी तट पर मैसूर के विजय अभियान जारी थे। 6 मई सन 1782 को टीपू और ड्यू शेमिन ने कड्डलूर पर कब्जा कर लिया। इतने में मालाबार में मखदूम अली की हार की खबर हैदर तक पहुंच गई और उसने टीपू को मालाबार की तरफ रवाना कर दिया। फिर हैदर और ड्यू शेमिन ने मिलकर बंदवासी यानी वेंडीवॉश को फिर से घेर लिया। अब फिर से कूट ने वेंडीवॉश की तरफ कूच किया, लेकिन ड्यू शेमिन ने लड़ने से इनकार कर दिया तो हैदर को घेरा उठाना पड़ा और वो पौंडीचेरी चला गया। अब किस्मत के खेल देखिए, इस समय हैदर और ड्यू शेमिन मिलकर आसानी से आयरकूट को हरा सकते थे और अगर ऐसा हो जाता तो आप भी जानते हैं क्या होता, लेकिन ऐसा होना नहीं था इसीलिए नहीं हुआ। उसके बाद कूट ने अपना निशाना साधा हैदर के गोला बारूद हथियार के भंडार अरनी पर। तो 2 जून सन 1782 के दिन अरनी में अंग्रेजों और मैसूर की सेना के बीच एक झड़प हुई। हालांकि अंग्रेज इतिहासकार हमेशा की तरह जीत का दावा करते हैं, पर इस मुठभेड़ में कूट को भारी नुकसान हुआ और वो अरनी के भंडार को भी खत्म करने में नाकामयाब रहा। फिर 8 जून को कंपनी की एक और टुकड़ी ने यही हिमाकत की तो मैसूर की सेना ने इस टुकड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हैदर के कहने पर सफ्रिन ने समुद्र के रास्ते नागापट्टनम को लेने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान एडवर्ड ह्यूज से उसका युद्ध हुआ और सफ्रिन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जुलाई में पौंडीचेरी में सफ्रिन और हैदर मिले और उन्होंने आगे की रणनीति पर चर्चा की। इसी बीच सफ्रिन को खबर मिली कि मॉरिशस से एक फ्रांसीसी पलटन गैले आई हुई है, तो सफ्रिन ने बिना समय गंवाए अपने जहाज भेजकर उस पलटन को त्रिंको माली बुला लिया और उसके बाद खुद भी वहां जा पहुंचा। अगस्त और सितंबर सन 1782 के दरमियान उसने त्रिंको माली अंग्रेजों से छीन लिया। त्रिंको माली को फ्रांसीसियों के हाथों में जाने से बचाने के लिए यूज ने पूरी पूरी कोशिश की,
पर त्रिंगोमाली के समुद्री युद्ध में सफ्रिन ने उसको रोक दिया और यूज का हमला बेकार हो गया। अब श्रीलंका के साहिल पर फिर से डच सरकार और फ्रांस का अधिकार हो गया। इन सब हमलों में यूज ने भारी नुकसान उठाया। इसके बाद भारत के मौसम में सफ्रिन के सिपाहियों की तबीयत बिगड़ने लगी तो वो अक्टूबर में सुमात्रा निकल गया। नवंबर में वो आसेह पहुंचा और एक महीने तक वहीं रुका। यही हाल एडवर्ड ह्यूज का भी था तो वो बंबई निकल गया। सफ्रिन की गैर मौजूदगी में भारत के समुद्री मार्गों पर फिर से अंग्रेजों का कब्जा हो गया। बिकरटन वहीं चक्कर लगा रहा था और उधर मॉरिशस में टिबूसी अपनी सेना में फैली महामारी का बहाना लेकर बैठा हुआ था। उधर चित्तूर में पालीगारों ने फिर से सर उठा लिया। अगस्त में हैदर ने अर्काट से 32 किलोमीटर उत्तर में और चित्तूर से 17 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में नरसिंह रायानी पेट्टा में अपना पड़ाव डाला और वो पालीगारों के विद्रोह को दबाने में व्यस्त हो गया। सितंबर का महीना हैदर के लिए कई सारी समस्याएं लेकर आया। एक तो बिकरटन ब्रिटेन से भारत आ गया था। बिकरटन का बेड़ा केवल मालाबार में ही नहीं पूर्वी तट की तरफ भी आने वाला था। दूसरा, सालबाई की संधि आकार ले चुकी थी। कावेरी से कन्याकुमारी के बीच पालीगारों ने विद्रोह कर रखा था। सबसे ज्यादा समस्या आ रही थी तिरुनेलवेली के क्षेत्र में। यहाँ पे हम आपको एक ऐसी वीरांगना के बारे में बताना चाहते हैं जिसके बारे में उत्तर भारत में कोई नहीं जानता। वो थी शिवगंगा और रामनाड के राज्यों पर राज करने वाली वेल्लू नाचियार। वेल्लू नाचियार ने सन 1780 और 82 के दरमियान हैदर अली का साथ दिया और अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। हालांकि अंग्रेज उनके जीते जी इस इलाके का पूरी तरह से दमन नहीं कर पाए, फिर भी ये क्षेत्र यानी कावेरी से कन्याकुमारी के बीच का इलाका काफी हद तक कंपनी के नियंत्रण में आ गया था। तो अब इस इलाके में तैनात कंपनी के अफसरों को काफी हद तक फुर्सत मिल चुकी थी। तो अब श्रीरंगापट्टनम पर दक्षिण से दो मोर्चों से हमला हो सकता था, एक मालाबार की तरफ से और दूसरा मदुरई त्रिची और तंजौर की तरफ से। और इसके लिए फुलारटन त्रिची के पास तैयारी करने लगा। अब हम्बरस्टोन कालीकट में बैठकर मॉनसून खत्म होने का इंतजार कर रहा था ताकि वो पालघाट और कोयम्बटूर के रास्ते श्रीरंगापट्टनम पर चढ़ाई करके हैदर राज को खत्म कर सके। टीपू इंतजार कर रहा था कि कब मॉनसून खत्म हो और कब वो मालाबार जाकर हम्बरस्टोन की खबर ले सके। आखिर मॉनसून खत्म हुआ। अक्टूबर में हम्बरस्टोन ने पश्चिमी घाट चढ़ना शुरू किया। उसने पालघाट यानी पलक्कड़ पर कब्जा करने की कोशिश की पर उसको कोई कामयाबी नहीं मिली। इतने में टीपू पालघाट के पास आ धमका। सन 1782 के 19 नवंबर और 29 नवंबर के बीच हम्बरस्टोन मालाबार की तरफ पीछे हटता गया और टीपू उस पर छापे मार मार कर उसका पीछा करता रहा। आखिर टीपू ने हम्बरस्टोन को कोचीन यानी कोची के उत्तर में पोन्नानी में धर दबोचा। हम्बरस्टोन अपने हथियार डालने में ही था कि तभी अचानक टीपू को एक अनहोनी की खबर मिली। 7 दिसंबर सन 1782 के दिन चित्तूर के पास नरसिंह रायानी पेट में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो टीपू ने हम्बरस्टोन को पोन्नानी में ही उसके हाल पर छोड़ दिया और अपनी राजगद्दी संभालने वापस लौट गया।